तो दिस इज द पाथ ऑफ खीर गंगा। बाकी पीछे जनता रेडी हो रही है, सारे सामान प्रिपेयर हो रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्या शानदार है, और मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। वो वेट कर रहा है मेरा, अरे वहाँ पे गाड़ी रोकी थी उसने, इतनी दूर देख रहे हैं हम, वहाँ पे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी ये अच्छा नज़ारा है, पीछे देखिए कितना शानदार है। ये चॉकलेट्स लेने गया था अभी ना यहाँ से, को ये स्नीकर्स कैरी कर रहा हूँ मैं अपने साथ, चॉकलेट्स हैं। तो अगर ट्रैक करते समय भूख लगी तो ये स्नीकर ही बचाएगा, और बाकी पैसा खाने पीने का कोई सामान तो नहीं। बाकी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है काफ़ी अच्छे से, मतलब आपको कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप स्नीकर्स और कुछ ऐसा हल्का फुल्का खाने के लिए ले लीजिए, जिससे कि आपको परेशानी ना हो बाद में ट्रैक स्टार्ट करने में। यार वो गाइस वेट कर रहे हैं मेरा, ये मुझे डरा दे रही है, गाय की बच्ची है यार वो। सही है, अभिषेक भाई अपना भाई, हाय ब्रो ब्रो, हाय ब्रो ब्रो, जो तूने बोली ब्रो घुसन पड़ेंगे तो, घुसन पड़ेंगे तो, ये इसका डायलॉग है। तो ब्रो कैसा लग रहा है आपको, ट्रैक स्टार्ट हो गई है मतलब, हाउ इज द जोश? हाय सर, इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी हाई। तो अभी ट्रैक ट्रैक पॉइंट यहाँ से कितना दूर है? तो अभी यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं और 4-5 घंटे तक चलेंगे। अच्छा सीरियसली गाइस बताओ, व्यू कितना अच्छा है? मैजिकल, नाइस, पार्वती वैली देखो तुम, ये जो पेड़ देखा सारे। यह ट्रैक स्टार्ट होती है पार्वती रिवर पर बने एक डैम से। यहाँ से इसके दो रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता लेफ्ट से जाता है, जहाँ से नागथन विलेज से होते हुए आप रुद्रनाग वाटरफॉल पर पहुँचते हैं, और सेकेंड रास्ता जाता है जंगलों से होते हुए, जो कि हमने चूज़ किया। और हाँ, एक पॉइंट पर आके दोनों रास्ते मिल जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों रास्तों को ट्राई करें, एक्सप्लोर करें, आपको बड़ा मजा आएगा। बट इतनी भी काफ़ी मतलब खतरनाक वाली ट्रैक नहीं है, बट आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से हो जाएगी। अपने साथ कुछ खाने के लिए रखना, और जितना हो सके उतना हल्का सामान कैरी करना अपने बैग में। जितना सामान आप कम कैरी करेंगे उतनी आपको आसानी होगी ऊपर हाइट पे। तो वहाँ पर भी हम 2-3 ब्रेक्स लेके, जैसे अपने अकॉर्डिंग जो भी है, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आपकी वहाँ पे सांस चढ़ती है तो उसी हिसाब से वहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। मेरे साथ हैं 3 अपने पंटर्स पीछे, और बाकी जनता है पीछे। वो जो पेड़ों के पीछे देख रहे हैं, वहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया अभी, पता है नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बट वो येलो वाला आप देख रहे होंगे ट्रक खड़ा है, वहीं से एग्जैक्टली ये ट्रैक स्टार्ट होती है। और भाई साहब मैं बात करूँ अपनी, तो अभी से ही सांस चढ़ने लगी है, आगे क्या होगा देखते हैं। अभी ट्रिप का पहला कैफे, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है। और अभी यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुके हैं अभिषेक बाबा, बाबा बोलो, 10 मिनट। तो अभी हम 10 मिनट ही चले हैं और लोगों की हालत कुछ ऐसी है,
और ये हमारा पहला ब्रेकिंग पॉइंट है। ऐसे आपको रास्ते में काफ़ी मैगी पॉइंट्स मिल जाएंगे। और हमारे साथ के ग्रुप के बंदे हैं, तो अभी ये आपको कैसा लग रहा है? Excited. और मतलब हालत कैसी है? हालत तो अभी ट्रैक को स्टार्ट हुए कितना टाइम लगा है? 15 मिनट में बताओ। 15 मिनट में, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड मेरा एक्सपीरियंस भी यहाँ फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा आप कुछ बोलेंगे? बट जब देखा ट्रैक तो पता लगा कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इसके लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है या पहले भी आपने किया? नहीं, मैं पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए, करना तो करना। आपका नाम? उत्कर्ष। उत्कर्ष, ओके ब्रो, अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस? सो मच बिकॉज़ वी आर अंडर तो गाइस, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी 15 मिनट्स हुए हैं और 15 मिनट्स में ही ना बंदों की हालत ख़राब हो गई है। कुछ अभी फर्स्ट टाइमर्स हैं, मैं ऑल्सो फर्स्ट टाइमर्स हूँ, तो मैंने अभी पहले कभी करी नहीं ट्रैकिंग, तो चलो करते हैं यार, एक्सपीरियंस मिलेगा, टांगे मजबूत होंगी और कुछ नहीं इससे। बाकी व्यू नाइस। सो गाइस, ये हमारी ट्रैक का सेकंड ब्रेक है, तो अभी हम रुके हैं रेस्ट करने के लिए। तो ब्रो, हाउ इज यू फीलिंग नाउ? सो टायर्ड बट इट्स फकिंग ऑसम। ऑसम। नितिन ब्रो, आप बताइए कैसे हो? सोचा था बहुत एक्टिव हूं यार, लेकिन यहां पे आके मेरी फट गई। अच्छा, बहुत फट गई। कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो फटती है सबकी, आपकी अभी फट गई, लेकिन ज्यादातर लोगों की अपने साथ एक हवा टाइट हो गई है। आप कुछ बोलेंगे? बताओ कैसा एक्सपीरियंस है? अभी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा इजी हो गया है। चलो ठीक है, लग रहा है कि ट्रैक पूरी हो जाएगी। बाकी अभी तक तो सही है, पर जैसे स्टार्टिंग का पॉइंट वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करा था, तो एकदम वो चढ़ के चढ़ाई थी, तो वहाँ पे थोड़ी सी हवा टाइट हो गई थी कुछ ऐसे वाली यहाँ के रास्ते, तो अभी ठीक है। सो गाइस, अभी मेरी थोड़ी सी सांस चढ़ गई है, तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी पीछे रह गए हैं। तो एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ से अभी 2 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है हमने, और हम ना लोग 4 चले थे आगरा से, और यहाँ पर 20+ हो गए हैं। तो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, यू गेट टू नो पीपल। मैं कहूँ तो अगर आप सोलो ट्रैवल हो तो ग्रुप ट्रिप इज़ गुड फॉर यू। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग पसंद करते हो तो अच्छी बात है, सोलो ट्रैवलिंग मैं भी पसंद करता हूँ। ग्रुप बेनिफिट में ये फ़ायदा कि आप दोस्त बना सकते हैं उसमें, आप अकेले नहीं जाते, आपके साथ और भी लोग होते हैं, तो अगर आप सोलो हो तो आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। तो अभी आपको छोटी सी डिटेल देता हूँ,
खीर गंगा ट्रैक 13 किलोमीटर की है। अभी हमने 1 घंटा चल लिए और लगभग लगभग 2-3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो अभी देखना ये है कि कितना टाइम लगेगा। टाइम 1:30 बज रहा है अभी, तो जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे उतना जल्दी ऊपर सनसेट देख लेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से इसको कंप्लीट करें। रास्ते देख रहे हैं, देख चलता हूं ना, कह दिया नहीं मुझे जरूरत नहीं, कितना एपिक रास्ता है, पेड़ काट के बीच में से कितना, मतलब क्या शानदार रास्ता है, देखो भाई क्या एपिक है, एपिक। और ये गुफा के बीच से निकलते हुए अपना भाई ब्रो, मतलब कितना एपिक नजारा, नहीं यहां से बहुत एपिक, बहुत एपिक। वैसे तो रास्ता इतना टफ नहीं है, पर जब आप अपना बैग में कपड़े, खाना और अपने गियर्स कैरी करते हैं ना, तो आसान से आसान रास्ता भी ना मुश्किल हो जाता है। तो चलो ये तो रहा, अभी का अपडेट देता हूँ मैं आपको। तो हमने अभी लगभग आधी ट्रैक कवर कर लिया है, 2 बज गए हैं, हमको वहाँ पर किसी भी हाल में 4 बजे तक पहुंचना है। तो मिडिल ऑफ द ट्रैक अभी हमको ये दोस्त मिल गया है, ये साथ साथ चल रहा है, ये लेला इधर, अरे लेला, वाइट 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 वाइट, कम ऑन कम गाइस, आगे चल रहा है, तू हमको लीड कर रहा है, तू आगे चल। दोस्त अपना अभी तक साथ में चल रहा है, बीच में थोड़ा गायब हो गया था पर चल रहा है। तो अभी आ गए हैं, अभी आ गए हैं वॉटरफॉल के पास। तो गाइस कितना शानदार नजारा यार, इट्स रियली अमेजिंग, आई कांट, मतलब वर्ड्स में इसको मैं बयान नहीं कर सकता, वो क्या शानदार। हालत देख रहे हो मेरी, मतलब अभी थोड़ा सा और थोड़ा और दूर रह गया, जितना अभी मैं वहाँ से तकरीबन 1 मिनट पहले ही चला हूँ और थक गया हूँ बहुत बड़ा, काफ़ी जॉइंट्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो
कुछ मूव वगैरह आप ला सकते हैं, क्योंकि पता नहीं आपके शरीर का आपके जॉइंट्स कब बोल जाएं, तो कुछ ऐसी थिंग्स कैरी करिए जिससे कि आप आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप उसको मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें उसको। बाकी दोस्त पीछे रह गए मेरे, उनका वेट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेता हूँ। और सही है, सनसेट कवर करना था ऊपर, पर सनसेट कवर हो नहीं पाएगा लगता है, सनसेट के बाद ही पहुँचेंगे, प्लान तो यही था। और 1 hour 11 बजे स्टार्ट किया था, 6 बजे हुए अभी, 6 o'clock 6 बजे का टाइम है, सनसेट तो नहीं हो पाएगा। फिर भी कोशिश करूँगा सनसेट दिखाने की मैं आपको, कि कवर कर सकूँ। यहाँ से शायद बता रहे हैं लोग 200 मीटर के आसपास हैं, कोशिश करता हूँ जल्दी फास्ट करता हूँ, अब वहीं पे व्लॉग करूँगा लास्ट, आपको दिखाऊँगा। अब मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रहा यहाँ पे, कोई कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ, तो लेट्स गो बाय। 1, 2 and 3 पेस है आपके सामने। सो फाइनली 7, 7.5 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली पहुंच गए हैं। ये अपना डेस्टिनेशन खीरगंगा, ऊपर जाना भी अपना कैंप ढूंढना है। और एक बस अड़ हो गई है, मेरे साथ का दोस्त आया था अभिषेक, उसका बैग रह गया नीचे तो वो उसको लेने गया है। तो बाकी अभी कैंप ढूंढता हूँ, वहाँ सामान वामान रखता हूँ, फिर आपसे ठीक से बात करता हूँ। अब तो यार अंधेरा भी हो गया, सनसेट मिस कर दिया हमने, ये बहुत अफसोस वाली बात है। Hello, Ramji.